एक और साहब हैं जो आपके अच्छे बुरे दिनों के साथी रहे हैं और आपसे काफ़ी करीब भी तौर पे जुड़े हुए हैं प्रोफेशनली, और आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आपके बारे में बहुत चटपटी बातें भी जानते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको बुलाऊं। उनके आने के बाद क्या क्या राज खुलेंगे इसका जिम्मेदार मैं, तो आप इजाज़त दे रहे हैं कि मैं बुलाऊं? अभी ये कौन है भाई? डेढ़ ने कहा अभी ये कौन है भाई? गिन रहा हूं इतने हो गए यार, तशरीफ ले आइए। अरे रोबी रूमी जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आइए आइए आइए, आपकी और डेविड की जान पहचान वाकफियत कब की है? आइए तशरीफ जी। वाकफियत तो तकरीबन 12-13 साल पुरानी होगी जी। तो ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं देख लीजिए आप, माइक भी गलत ना हो। इनको ये उम्मीद है कि आप सब तारीफ की बातें करने वाली है, कहीं कोई एक आधा अल्फाज गुम ना हो। तो वाकफियत तो मेरी करीब 12 साल की है और काम करते हुए करीब 10 साल हो गए साथ में, और इनके साथ बहुत काम किया है, बहुत सीखने को भी मिला है मुझे। और एक दो बातें ऐसी हैं जो मतलब एज राइटर मैंने कुछ ऑब्जर्व की हैं जो आज तक मैंने बताई नहीं डेविड को भी। हाँ, आज बताऊंगा। अच्छा बिल्कुल बताइए, आज सारी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो पहले बताई नहीं गई थी। क्या होता है, काम में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और कभी भी कोई काम में सीन में कोई टेंशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम, तो ये अपने आप से बात करते हैं, ये अकेले बैठ जाते हैं और फिर बात करना शुरू करते हैं अपने आप से। हाँ नहीं नहीं यार, नहीं, 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 नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ले लेते हैं, मतलब अपने आप से सवाल करके जवाब दे के कन्विंस कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ करते हैं, हवा में हिसाब करते रहते हैं, ऐसे लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं, मिटा भी देते हैं। अरे गौरव